खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। दिनांक 14 अप्रैल 2018 को मानव स्थल बिल्डिंग गोकुलधाम सोसाइटी, वहाँ पे एक डुप्ले फ्लैट है, टेरेस फ्लैट। उस फ्लैट के अंदर एक हाउस रॉबरी की प्रकार समझ में आई थी। उस फ्लैट में उस समय उपस्थित एक वृद्ध महिला 76 वर्ष की हैं, उनके आंखों को और चेहरे को कपड़े से बांध कर दो लोगों ने चाकू की धाक दिखा करके लगभग 13.5 लाख का माल रॉबरी करके लेकर के गए थे। चूंकि ये मामला बहुत ही गंभीर था, इसलिए डिंडोसी की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी स्पॉट पे जाकर के उन्होंने वहां जायजा लिया और वहां पे उपस्थित नौकर, जिस पे थोड़ी संशय आई, उसको जब कस्टडी में लेकर के उससे व्यवस्थित पूछताछ की गई, 4 घंटे के अंदर ही इसमें उसका सहभाग है और उसने एक मित्र के साथ इस घटने को अंजाम दिया, ये पता चला। इसके बाद उसके दूसरे मित्र को भी अरेस्ट किया गया है जो इस गुने में सह आरोपी है। और ये जो नौकर है उसने अपनी पत्नी को सारा प्रॉपर्टी देकर के उनके मायके भेजा था, तो वो भी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। और इस तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुना था जिसके कारण, जिसमें एक वृद्ध महिला अफेक्टेड हुई थी, इसको डिटेक्ट करने में डिंडोसी की टीम को, जोन 12 की टीम को सफलता हासिल हुई है। नौकर 6 महीने से इनके यहाँ काम किया करता था, उसके पहले ये होटल में ही नौकरी करता था। तो इस तरीके की नौकरी करने का उसका पुराना पेशा है, पहले उसने दिल्ली में भी काम किया है, लेकिन इसने पहले कहीं कोई गुनाह किया या अभी तक निष्पन्न नहीं हुआ है। उसको बाइट में क्यों ले रहे हो आप? चलाओ ना उसको, आप चलाओ ना बाइट में, मतलब पुलिस हमारे यहाँ जैसे चोरी हुई विदिन 15 to 20 मिनट्स पुलिस के 40 आदमी वहाँ पे सारे के सारे आ गए थे, सारे कॉर्डन कर दिया था, पूरी सोसाइटी कॉर्डन थी, सारे सीसीटीवी के ऊपर 3-3 आदमी लगे थे जो चेक कर रहे थे कि कहाँ से क्या हुआ है। मेरे घर के ऊपर खुद साहब वर्माने साहब भी थे, साहब भी थे, सारे के सारे, हम खुद हैरान थे कि इतनी जल्दी इतना फास्ट जो है एक्शन लिया गया। इनफैक्ट इनके आने के बाद हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, उसके पहले हम सही में खुद हिल गए थे कि एक आदमी चूरा लेके आया और उसके बाद में माँ के गले पे चूरा रखा है। लेकिन जिस हिसाब से एक्शन लिया गया, हम 30 मिनट के बाद में कॉन्फिडेंट हो गए थे कि यस वी आर इन द सेफ हैंड्स। होते हुए भी इमिडिएटली स्पॉट पे जाकर के डिंडोसी की टीम ने इस चीज़ का जायजा लिया। सीनियर पीआई खुद पहुंचे, तुरंत उन्होंने खबर की, डीसीपी साहब गए, मैटर बहुत सीरियस था इसलिए बहरहाल मुझे भी जाना पड़ा। और वहां जाकर के जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से डिंडोसी की टीम ने पहले से ही अनुमान ये लगा रखा था कि इसमें किसी न किसी अंदर के आदमी का हाथ हो सकता है। उसके बाद डिंडोसी की जो टीम है उन्होंने तह तक जाते हुए जब बारकाई से चीज़ों को देखा, तो उनके यहाँ घर में काम करने वाला नौकर जो उस समय वहाँ पे मौजूद था उसके ऊपर शक हुई, क्योंकि घटना होने के 10 मिनट पहले ही वो ये बोलकर चला गया था कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, वो एक कमरा लेकर के बगल में ही रहता है। तो घटना के जस्ट पहले उसका चले जाना और घटना के बाद उसका वापस आना, ये संदेहास्पद होने के कारण टीम ने उसको अपने कब्जे में लिया और फिर उससे काफ़ी गहन पूछताछ की। गहन पूछताछ के बाद, काफ़ी मशक्कत के बाद उसने ये गुनाह अपने जानने वाले मित्र के साथ किया है ऐसा उसने बताया। और
उसके बाद उसने इतना ही बताया कि मेरे उस मित्र ने मुझे ये घटना करने के लिए प्रवृत्त किया था, बोला था, और उसके तहत वो नीचे जाकर के उसने हाथ पैर बांधे और उसने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा उसने शुरू में बताया था। पर बाद में जब हमारे लोगों ने और हर एंगल से, तांत्रिक तरीके से, बाकी तरीके से, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन की, वैसे बातें परत दर परत खुलती गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घटने के 4 घंटे के अंदर ही ये बात पता चल गई थी जाहिर रूप से और कन्फर्म होकर के कि नौकर ने ही किया है किसी के साथ मिल करके। तो इतनी महत्वपूर्ण घटना का डिटेक्शन, मैं कहूंगा 4 घंटे में होना एक उत्तम बात थी, पर डिटेक्शन के साथ इसमें दूसरे आरोपी का पकड़ना और उसके जो प्रॉपर्टी और रिकवर होना महत्वपूर्ण बात थी। इसलिए आज तक रुक करके हम लोगों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और आज जब हमारे पास दूसरा आरोपी भी है और मुद्देमाल भी जब्त हो गया है, तो फिर आज पत्रकारों के साथ संवाद करके ये बात बताने की हमने मिलकर के डिसीजन लिया। तो कुल मिला करके ये घटना होने के बाद, घटना होने के पहले इन्होंने प्लानिंग ऐसा किया था, ये जो दूसरा आरोपी है रोशन पांडे, ये भोजपुरी फिल्मों में साइड एक्टिंग का भी काम करता है, इसने 3-4 भोजपुरी फिल्मों में काम किया हुआ है, उसने जो नाम बताया उसके हिसाब से दिल जले जानवर, बाप रे बाप, दिल लगा के देख लो, और बहुत सारे एल्बम्स में उसने काम किए हैं, म्यूजिक एल्बम में भी किए हैं और 3-4 भोजपुरी फिल्मों में भी उसने कैरेक्टर रोल में काम किया है। तो इसने और ये नौकर, इन दोनों की पुरानी पहचान थी, इन दोनों ने मिलकर के इस पूरे वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई थी, जिसमें मुख्य सूत्रधार नौकर ही है। उसने पहले से ही देख लिया था कि कहाँ कहाँ सामान रखी जाती है घर में, और उन सभी जगहों की, उस अलमारी की, ड्रॉर्स की उसने पहले ही डुप्लीकेट चाबी बनवा के रखी थी। और उसके बाद इसके साथ मिलकर के उसने प्लानिंग की, ये जो उसका दूसरा साथी है वो सीढ़ियों से टेरेस के ऊपर में आया और टेरेस डुप्ले फ्लैट होने से वहां से अंदर आया, फिर वो अंदर जाकर के वृद्ध महिला के मुंह पे और आंखों में कपड़ा बांधा चाकू की नोक पे, और उसके बाद ये नौकर नीचे आया, तो चूंकि आंख बंद थी इसलिए नौकर को वो देख नहीं पाई, और इस नौकर ने चाबी से ओपन करके पूरा का पूरा माल वहां से सफाया किया। और फिर नीचे आकर के इसने अपनी पत्नी को, नौकर ने घर जाके अपनी पत्नी को ये सारे प्रॉपर्टी दी और उसको खार में जहां उसका मायका है वहां पे ले जाने के लिए बताया। इस तरीके से पूरी घटना, और वो करके वो चुपचाप वापस फिर घर में आ गया इस टाइप से बताने के लिए कि मैं घर गया था और घर से वापस आया हूं। पर उसने जो भी ये तरीका अपनाया था वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया, इसलिए आज वो सलाखों के पीछे है। कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम में दूसरा आरोपी जो रोशन पांडे था वो उसी दिन से फरार था। हमारे लोगों ने 2 दिन कड़ी मेहनत करके कल उसको पकड़ा और उससे भी बाकी की चीजें निष्पन्न की है। कुल मिला के जितने भी प्रॉपर्टी थी वो आपको डिस्प्ले में दिखाया जाएगा। तो मैं कहूँगा कि एक तरह से एक ऐसी घटना जिसमें एक वृद्ध महिला को एक महत्वपूर्ण बंदोबस्त के दिन में चाकू की नोक पर चेहरे को पूरी तरीके से ढक कर ये बहुत बड़ी एक रॉबरी, डे रॉबरी को अंजाम दिया गया था, और जिसके कारण उस इलाके में थोड़ी बहुत लोगों के बीच में चर्चा भी थी और मैं कहूँगा डर का थोड़ा माहौल भी इमीडिएट बना था। पर डिंडोसी की टीम ने जिस तरीके से तुरंत इसको डिटेक्ट किया, आरोपी को पकड़ा और माल हस्तगत किया, इससे निश्चित रूप से वहाँ के लोगों के मन में जो डर था वो डर खत्म हुआ और मुंबई के ऊपर और पुलिस के ऊपर उनका विश्वास निश्चित तौर पे बढ़ा है, क्योंकि मुंबई में आपको पता है हाउस रॉबरीज जैसे प्रकार बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। तो ऐसी घटना इसलिए भी हम सीरियसली लेते हैं क्योंकि ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। तो फिर से मुंबई हमारी सेफ है,
ये इस घटना के डिटेक्शन से सेफ मुंबई है ये फिर से इस्टेब्लिश होता है और आरोपी सलाखों के पीछे जाने से लोगों का विश्वास फिर से सिस्टम पे और मुंबई पे बनता है। इसके लिए मैं जो डिंडोसी की पूरी टीम है और विनय राठौड़ साहब चूंकि छुट्टी पे हैं डीसीपी साहब इसलिए वहाँ उपस्थित नहीं है, साहब के पास चार्ज है, तो विनय राठौड़ साहब और उनके चार्ज के बाद देशमानी साहब ने जो भी इसके ऊपर देख रेख की, एसीपी साहब अभी नहीं है तो किस कहीं बाहर हैं, पीआई डिंडोसी ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ। खबरें वही जो दिखे सही, ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।